गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम सेकंड चैप्टर दक्षिण पादम यह पार्ट समझने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं यह लेसन, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले ही चित्र में दक्षिण पादम जो चैप्टर है उसके पहले पेज में ही आपको एक बच्चा दिखाई दे रहा है, वह एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह पार्ट जो है, यह जो लेसन है, उसमें एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम आगे का लेसन, जो कि पेज नंबर 5 पे दिया गया है। तो उसकी जो पहली दो लाइन है, फर्स्ट और सेकंड, तो हम पहले यह जो पार्ट है उसका रीडिंग कर लेते हैं। दक्षिण पादम पुरस्कुरु, दक्षिण पादम कुरुपृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं भ्रमम, वामं पादम पुरस्कुरु, वामं पादम कुरुपृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं भ्रमम, दक्षिण हस्तम पुरस्कुरु, दक्षिण हस्तम कुरुपृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारं स्वयं भ्रम, वामं हस्तं पुरस्कुरु, वामं हस्तं कुरुपृष्ठं, मंदं मंदं भ्रामयतं गोलाकारं स्वयं भ्रम, हस्तद्वयं पुरस्कुरु, हस्तद्वयं कुरुपृष्ठं, मंदं मंदं भ्रामयतं गोलाकारं स्वयं भ्रम, सर्वांगं हि पुरस्कुरु, सर्वांगं हि कुरुपृष्ठं, मंदम मंदम भ्राम्यतम गोलाकारम स्वयं ब्रह्म, सर्वे मिलित्वा खिलामः, सर्वे मिलित्वा गायामः, सर्वे मिलित्वा खादामः, सर्वे मिलित्वा नृत्यामः। तो हमने यह पाठ का रीडिंग किया। आइए अब हम देखते हैं मीनिंग वर्ड और ट्रांसलेशन। तो पहली जो लाइन है 1 और 2, वो एक बार देख लेते हैं। दक्षिण पादम पुरस्कुरु, दक्षिण पादम कुरुपृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं ब्रह्म। देखिए यहाँ फर्स्ट एकम आ गया, ठीक है ना, एक आ गया। तो यहाँ तक दो लाइन की एक पैर है। तो उसका मीनिंग वर्ड और ट्रांसलेशन साथ में देखते हैं। पहले जो वर्ड है दक्षिण पादम, क्या है दक्षिण पादम, हमारा जो टाइटल है वह भी दक्षिण पादम ही है। तो दक्षिण पादम का मीनिंग क्या होगा, राइट, दक्षिण मीन्स राइट और पादम मीन्स लेग, ओके। तो दक्षिण पादम मीन्स राइट लेग, पुरस्कुरु मीन्स पुट फॉरवर्ड, पृष्ठम, पृष्ठम मीन्स बिहाइंड, कुरु, कुरु मीन्स डू, मंदम मंदम, मंदम मंदम मीन्स स्लोली स्लोली, ओके। भ्राम्य कौन सा वर्ड है, भ्रामय, तो मूव राउंड, स्वयं, स्वयं मीन्स योर सेल्फ, राइट। गोलाकारम, गोलाकारम तो मीन्स राउंड एंड राउंड, गोलाकारम गोलाकारम मीन्स राउंड एंड राउंड। ब्रह्म, ब्रह्म तो टर्न। आइए अब हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पुट फॉरवर्ड, जो ये पहली और सेकंड लाइन है उसका ट्रांसलेशन है, पुट फॉरवर्ड द राइट लेग, पुट द राइट लेग बैक, टर्न इट अराउंड, राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। हमें नोटबुक में कैसे लिखना है, तो हमें नोटबुक में पहले ये जो पोयम है ना पेज नंबर 5 पे दी गई वो पोयम लिख लेनी है। बाद में आपको मैंने कैसे नोटबुक में लिखा है, देखिए पहले एक नंबर लगा के मीनिंग वर्ड लिखा है, मीनिंग वर्ड के बाद ट्रांसलेशन लिखा, वैसे ही सेम टू सेम आपको नोटबुक में कॉपी करना है। आगे की 3rd और 4th लाइन देखिए, वामं पादम पुरस्कुरु, क्या है देखिए 3rd और 4th लाइन, वामं पादम, वामं पादम पुरस्कुरु, वामं पादम कुरुपृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं ब्रह्म। तो ये 3rd और 4th लाइन जो है उसका ट्रांसलेशन समझते हैं कि मीनिंग वर्ड पहले वामं पादम, वामं मीन्स लेफ्ट और दक्षिण मीन्स राइट, ओके। तो यहाँ क्या है, वामं पादम, तो वामं मीन्स लेफ्ट और पादम मीन्स तो आप जानते ही है लेग, ओके। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेग, पृष्ठम, पृष्ठम मीन्स एट द बैक, गोलाकारम मीन्स राउंड एंड राउंड, स्वयं, स्वयं मीन्स योर सेल्फ
और भ्रम तो टर्न, तो उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। पुट द लेफ्ट लेग, क्या कह रहे हैं, पुट द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, पुट द लेफ्ट लेग बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। ठीक है, आगे आगे जो हम देख पा रहे हैं कि थर्ड नंबर का, जिसमें थर्ड और फोर्थ लाइन है, दक्षिण हस्तम पुरस्कुरु, दक्षिण हस्तम कुरु पृष्ठम। ठीक है, फाइव और सिक्स लाइन, मंदम मंदम भ्राम्यतम गोलाकारम स्वयं ब्रह्म। तो उसका ट्रांसलेशन थर्ड नंबर में देखते हैं, दक्षिण हस्तम क्या है, दक्षिण हस्तम, दक्षिण तो आपने पहले देख लिया राइट, और हस्तम मीन्स हैंड, ओके, तो वो वर्ड सीखना है दक्षिण हस्तम, तो राइट हैंड मीनिंग वर्ड दिखा, बाद में ट्रांसलेशन देखते हैं। पुट द राइट हैंड फॉरवर्ड, पुट द राइट हैंड बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। आगे आगे जो है फोर नंबर का, वामम हस्तम पुरस्कुरु, वामम हस्तम कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं ब्रह्म। आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं फोर नंबर का। फोर नंबर का ट्रांसलेशन में है, वामम, वामम मीन्स लेफ्ट और हस्तम मीन्स हैंड, तो उसका ट्रांसलेशन है, पुट द लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड, पुट द लेफ्ट हैंड बैक, टर्न इट अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योरसेल्फ राउंड एंड राउंड। आगे फिफ्थ लाइन जो है, फिफ्थ लाइन के लिए क्या है, लाइन में देखते हैं कि हस्तद्वयम् पुरस्कुरु, हस्तद्वयम् कुरु पृष्ठम्, मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं ब्रह्म। तो उसका ट्रांसलेशन क्या है फिफ्थ नंबर में, हस्तद्वयम्, हस्त मीन्स हैंड, ओके हैंड, और द्वयम् मीन्स टू, तो मीनिंग क्या होगा, टू हैंड्स, ओके ना, ने तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, पुट योर टू हैंड्स फॉरवर्ड, पुट योर टू हैंड्स बैक, टर्न देम अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड। आगे सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में दिया गया है, सर्वांगम ही पुरस्कुरु, कहाँ है देखते हैं सिक्स नंबर की लाइन्स, सर्वांगम ही पुरस्कुरु, सर्वांगम ही कुरु पृष्ठम, मंदम मंदम भ्रामयतम गोलाकारम स्वयं ब्रह्म। तो उसका ट्रांसलेशन क्या कह रहे हैं, तो उसके ट्रांसलेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि सर्वांगम, सर्वांगम मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके, बॉडी पार्ट्स ऑल, ओके, तो उसका ट्रांसलेशन है, पुट बेंड ऑल योर बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड, पुट बेंड ऑल योर बॉडी पार्ट्स बैक, टर्न देम अराउंड राउंड स्लोली एंड मूव योर सेल्फ राउंड एंड राउंड, ओके। आगे सेवन है, सेवन में क्या है कि सर्वे मिलित्वा खेलामः, सर्वे मिलित्वा गायामः, सर्वे मिलित्वा खादामः, सर्वे मिलित्वा नृत्यामः। आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए लास्ट टू लाइन का ये ट्रांसलेशन और मीनिंग वर्ड है। तो ट्रांसलेशन क्या है कि लेट अस ऑल प्ले टूगेदर, लेट अस ऑल सिंग टूगेदर, लेट अस ऑल ईट एंड एंजॉय फूड टूगेदर, एंड लेट अस ऑल डांस टूगेदर। रिपीट करते हैं, लेट अस ऑल प्ले टूगेदर, लेट अस ऑल सिंग टूगेदर, लेट अस एंड ईट फूड टूगेदर, एंड लेट ऑल डांस टूगेदर। तो हमने यहाँ ट्रांसलेशन मीनिंग वर्ड कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स, तो आपकी नोटबुक में भी आप लिख लेना और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, ठीक है। आगे जो है वो है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन नंबर वन, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। तो यह जो वर्ड दिए गए वो हमें अच्छे से बोलना है, प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखना है, और यही वर्ड हमें नोटबुक में फाइव टाइम कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन, स्पीक द फॉलोइंग वर्ड्स विद एक्शन। तो यह पुरः, गायामः, पृष्ठम, नृत्यामः, खेलामः, गोलाकारम, खादामः, वाम पादम, दक्षिण हस्तम, यहाँ जो ये वर्ड है वो भी आपको नोटबुक में कॉपी करने हैं। थर्ड में क्या है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली इन गुड हैंड राइटिंग। तो यहाँ भी हमें ये वर्ड जो है, दक्षिण पादम, भ्राम्यतम, पृष्ठम, गोलाकारम, पुरस्कुरु मिलित्वा, यहाँ पास की ब्लैंक में लिख लेना है। फोर्थ में क्या है,
रीड एंड राइट द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ भी यहाँ कॉपी करना है, दक्षिण तो वामा, मंदम तो शीघ्रम, पूरा तो पृष्ठम, तो यहाँ कॉपी करके लिखना है। फिफ्थ में क्या है, रीड एंड राइट द फॉलोइंग वर्ड्स, मंदम मंदम तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है वो लिखना है, शीघ्रम शीघ्रम तो उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है वो लिख लेना है। आगे हम जो देखने वाले हैं वह है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है कि कंस्ट्रक्ट द वर्ड्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है खेल तो खिलामह, तो बाकी के सब में भी आपको ऐसे ही करना है, खाद तो खादामह, नृत्य तो नृत्यामह, पठ तो पठामह, लिख तो लिखामह, फिर पीब तो पीबामह, चल तो चलामह, और भ्रम तो भ्रमामह। ठीक है, तो ऐसे हमें यह एक्सरसाइज और ट्रांसिशन मीनिंग वर्ड और ए पोयम नोटबुक में अच्छे से लिखनी है, तो वो ध्यान रख के आप अच्छे हैंडराइटिंग से कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है।